हाय फ्रेंड्स, मेरे ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम एमएस पावर पॉइंट पर काम करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो कभी कभी हमारा मन ये करता है कि हम उस प्रेजेंटेशन को अपने वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक वीडियो के रूप में अपने लैपटॉप कंप्यूटर या अपने किसी मेमोरी कार्ड वगैरह में सुरक्षित करके रख लें। लेकिन अगर आपके इस बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को वीडियो के फॉर्मेट में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो है जो एमएस पावर पॉइंट पड़ा हुआ है वो 2007 है, 2010 है या कौन सा वर्जन है। अगर आपका वर्जन 2007 है, एमएस पावर पॉइंट 2007 है, तो ये आपके कंप्यूटर में काम नहीं करने का है। और अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में एमएस पावर पॉइंट 2010 का वर्जन है तो ये आप अपने प्रेजेंटेशन को वीडियो के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा वीडियो है ये कि एमएस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को वीडियो में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले किसी प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए कोई प्रेजेंटेशन बनाना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर समय की बचत करने के लिए मैंने पहले से ही एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है जिसे मैं ओपन कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 का वर्जन पड़ा हुआ है जिसमें मैं आज आपको पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है, स्लाइड्स शो टैब में जाते हैं और फ्रॉम बिगेनिंग से क्लिक करके इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे चलता है। ये देख लीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब्स का जो मैंने स्टिकर वो आ गया है, उसके बाद शेयर का, लाइक का और उसके बाद कमेंट का। ये इधर उधर से जैसे मैंने इन्हें व्यवस्थित किया था उसी तरह से निकल रहे हैं। मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखा दिया है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे वीडियो में कैसे तब्दील करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद सेव एंड सेंड पर क्लिक कीजिए, उसके बाद क्रिएट ए वीडियो में क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्रिएट वीडियो का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अभी आपसे पूछा कि आप इस प्रेजेंटेशन को किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो चलिए मैं इसका नाम लाइक डाल देता हूं और सेव पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं सेव पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं नीचे एक क्रिएटिंग वीडियो लाइक WMV का फॉर्मेट में एक फाइल सेव होने लगी है। इसके लिए इसमें कुछ टाइम लग रहा है तो हम वेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो वीडियो में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आगे इसको ओपन करके देख लेते हैं कैसे वर्क कर रही है। एक वीडियो प्लेयर में मैंने इसको ओपन कर लिया है और देखते हैं कैसे वर्क कर रही है। ये देखिए, हमारी जो प्रेजेंटेशन थी वो वीडियो में कन्वर्ट हो गई है और WMV फॉर्मेट फाइल में कन्वर्ट हुई है। आप इसे चाहें तो किसी भी वीडियो कन्वर्टर से अपनी मनचाही फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमने प्रेजेंटेशन आपको पावर पॉइंट में रन करके प्ले करके दिखाया था, सेम वो ही कंडीशन में हमारा प्रेजेंटेशन रन हो रहा है, प्ले हो रहा है। तो दोस्तों, आप सीख गए होंगे कि किसी एमएस पावर पॉइंट के किसी प्रेजेंटेशन को वीडियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।